पुलिस वक्त की बड़ी खबर, मानव तस्करी में गिरफ्तार महिला आरोपी गंगा पांडे का बीजेपी कनेक्शन निकला है। आरोपी गंगा पांडे पापाजी ही बीजेपी मंडल की पदाधिकारी रह चुकी है। पूरे मामले में जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी का बयान सामने आया। गंगा पांडे पिछले कार्यकाल में पदाधिकारी थी, लेकिन इस कार्यकाल में गंगा पांडे पदाधिकारी नहीं है। अगर इस तरह के मामले में गंगा पांडे की संलिप्तता बताई जाती है तो निश्चित ही इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आरोपी गंगा पांडे पापाजी बीजेपी मंडल अध्यक्ष रह, आपको बता दे यहाँ पदाधिकारी रह चुकी हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अगर तस्करी में शामिल पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है श्री चंद सुंदरानी का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर मानव तस्करी में आपको बता दे कि जिस महिला के संलिप्त होने की जानकारी मिल रही है उनका सीधे सीधे बीजेपी से कनेक्शन बताया गया है। शिवम मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शिवम, जिस तरह से महिला पदाधिकारी के संलिप्त होने की जानकारी मिल रही है कि भाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है, तो प्राथमिकताएं बदल गई पार्टी की अब यहाँ पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से बीते दिनों मानव तस्करी का मामला डोंगरगढ़ से निकल करके सामने आया था, और इस मामले की जब पुलिस तफ्तीश की तो इस मामले में लगातार कई बड़े खुलासे होते गए। पुलिस को जानकारी मिली कि डोंगरगढ़ से रायपुर में भी कई कनेक्शन यहां पर नजर आ रहे। इसके साथ ही अन्य राज्य बात की जाए, हरियाणा, चंडीगढ़, तो तमाम राज्यों से भी लोग जुड़े हुए थे। इसी की तलाश में पुलिस, डोंगरगढ़ पुलिस की टीम यहाँ पर, डीएसपी लेवल की टीम यहाँ पर बीते 3-4 दिनों से रायपुर पर थी और लगातार स्थानीय पुलिसों के संपर्क में थी, जिसके बाद गंगा पांडे के नाम की तलाश की जा रही थी। महिला पंडरी से ये मिली है जो देविंद नगर थाना क्षेत्र में आता है, और लगातार जब इसकी जांच की क्या कुछ जानकारी मिल पाई, क्योंकि अभी तो इनके संलिप्तता की जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये संलिप्त थी, ये जानकारी मिली है। क्योंकि पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये पदाधिकारी भी रह चुकी हैं, लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तो न जाने कितने सालों से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है और न जाने कितने लोगों की तस्करी की जा चुकी होगी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी सरकार में थी तो किसी ने हाथ भी नहीं डाला होगा। जी बिल्कुल रश्क जी, जिस तरीके से महिला की जानकारी जुटाई गई उसमें साफ तौर पर दिखा कि महिला जो है ये पापाजी मंडल की पदाधिकारी है, और पदाधिकारी ये मंत्री पद की पदाधिकारी पर मंडल पर इस वक्त मौजूद थी, जिसके विषय पर हम लोगों ने जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शीतल सुंदरानी से चर्चा की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उस वक्त पार्टी को जानकारी नहीं थी कि गंगा पांडे की संलिप्तता इस तरीके के कार्य में भी हो सकती है। हालांकि अगर पुलिस इस तरीके के कार्य में गंगा पांडे की संलिप्तता देख रही है और गंगा पांडे गिरफ्तार हो चुके तो निश्चित ही उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है रश्मि की, गंगा पांडे जो है उनके कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ फोटो देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा वो सक्रिय नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की भी छवि पर एक तरीके से सवाल उठ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो मानव तस्करी में महिला गिरफ्तार हुई है, आरोपी महिला गंगा पांडे का बीजेपी कनेक्शन है, आरोपी गंगा पांडे पापाजी बीजेपी मंडल की पदाधिकारी रह चुकी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे थे। पूरे मामले में जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी का बयान भी सामने आया है कि गंगा पांडे पिछले कार्यकाल में पदाधिकारी थी, लेकिन इस कार्यकाल में गंगा पांडे पदाधिकारी नहीं है। अगर इस तरह के मामले में गंगा पांडे की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए।